दोस्तों नमस्कार। चुनावी सीजन शुरू होने वाला है। हरियाणा के अंदर चुनावी बयारे एक बार फिर से चुनावी ठंडक का, चुनावी शीतलता का एहसास कराने लगी हैं। जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, मौसम अपना रंग बदल रहा है, यानी कि मानसून आ चुका है और जो चिलचिलाती तपतपाती जो गर्मी थी उससे राहत मिल गई है। लेकिन इस मानसूनी ठंडक के अंदर चुनावी और सियासी जो गर्मी है वो अलग प्रकार की गर्मी और शीतलता का मिक्स एहसास करा रही है। राजनेताओं का इस चुनावी मौसम के अंदर अपनी तमाम प्रकार की तैयारियां और उसके साथ साथ तमाम प्रकार के पैर पैतरे आजमाने का जो दौर चलेगा उसकी आहट अभी से होनी शुरू हो गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं, वो इस चुनावी बिसात पर कैसे अपने मोहरे सजाएंगे उसको लेकर के अभी से कार्य शुरू हो गए हैं। चुनावी मोहरे चलने के लिए जो उनके सियासी खिलाड़ी होंगे या ये कहें कि सियासी दिशा देने वाले जो लोग होंगे उनकी भी तैयारी शुरू है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आपको ध्यान होगा कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले अमित शाह आए थे पंचकूला के अंदर और अमित शाह ने पंचकूला के अंदर एक राजनीतिक संदेश दिया था। मुख्यमंत्री का अपना चेहरा घोषित कर दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे और नायब सिंह सैनी को एक तरह से कहे तो भारतीय जनता पार्टी की सजने वाली बारात का दूल्हा घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को धीरे धीरे संदेश शुरू कर दिए गए और आज उनका मैं अगर कहूँ कि ब्रजनगरी पलवल के अंदर भी एहसास था। भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी और चुनाव के सह प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव, तीन प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, तीन प्रभारी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान है, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो दूसरे हैं वो विप्लव कुमार देव हैं। विप्लव कुमार देव के पास दो दो प्रभार हैं। वे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के सारथी। और अगर तीसरे जो है वो है सुरेंद्र नागर, पूर्व सांसद रहे हैं, वो हरियाणा भाजपा के सह प्रभारी हैं। यानी कि तीन प्रभारी एक तरह से हो गए, एक प्रभारी के पास दो प्रभार और दो प्रभारी और, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर। आप ये मान लें कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो तीन धुरंधर हो गए जिन्हें कि अमित शाह के उस जो राजनीतिक फलसफा उन्होंने तैयार किया है नायब सैनी का, नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगली बार जो कुर्सी तैयार होनी है 2024 वाली उसके लिए और जिसपे कि चुनावी चेहरा भी नायब सैनी होंगे, यानी कि दूल्हे के रूप में जो बारात सजनी है नायब सैनी जिसमें दूल्हा होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बारात होगी, वो नायब सैनी के लिए पहला मौका होगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो हैं अभी, वो गिफ्टेड मुख्यमंत्री कह सकते हैं। गिफ्टेड मुख्यमंत्री यूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर रिप्लेस किया और उनको अपना मुख्यमंत्री बना दिया और अब उनको अगले चुनाव के लिए जो आने वाले 90 दिन में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनके लिए चेहरा हो गए। आप उनको कह दें कि वो मोहरा हो गए, आप ये कह दें कि वो सरताज हो गए, आप कुछ भी कह सकते हैं। चेहरा और मोहरा मैंने आपको भी दो शब्द कहे थे। जब चेहरा दिया जाता है तो चेहरे के साथ मोहरे होते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया कि तीन बड़े लोग तो हो गए, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर। अब इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी जो टीम तैयार की है और जिसको लगभग काम सौंप दिया गया है और अगले दिनों में और दे दिया जाएगा, अलग अलग प्रखंडों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग जो कास्ट वाइज समीकरण बनते हैं उनके हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव मैदान में झोंका जाएगा। जो धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर के साथ जिनको ड्यूटियां मिलने वाली हैं उनके अंदर आप फरीदाबाद, पलवल यानी कि ब्रज मंडल के लिए मान लें तो कृष्णपाल गुर्जर पर बड़ा दारोमदार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटों पर विजय पताका फहराने का। 7 तो विजय पताका पहली बार भी फहर गई थी, जो 2019 का चुनाव था 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए थे। अब की बार चुनौती बड़ी होगी खुद कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी।
क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव वो 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, तो अब की बार वो मार्जिन लगभग 4.5 लाख से ज्यादा घट गया। इसलिए कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनौती होगी, लेकिन सारथी कृष्णपाल गुर्जर होंगे, या आप ये कह दें कि जो चेहरा होंगे, फेस नायब सिंह सैनी के बाद जो मोहरा होंगे वो कृष्णपाल गुर्जर होंगे फरीदाबाद पलवल जिले के लिए। अगर मैं अहिरवाल की बात करूं तो फिर अहिरवाल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह होंगे और सुधा यादव होंगी साथ देने के लिए, उनके साथ धर्मवीर भी जरूर होंगे क्योंकि धर्मवीर महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के हिसाब से देखें तो फिर धर्मवीर की ड्यूटी भिवानी में भी होगी, भिवानी के क्षत्रप भी वो होंगे, भिवानी का जो जिम्मेदारी दारोमदार उनके पास भी होगा, तो साथ में वहाँ पर फिर किरण चौधरी भी होंगी। अगर आगे चलते हैं तो फिर हिसार के अंदर रंजीत सिंह चौटाला क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिम्मेदारी रंजीत सिंह चौटाला को भी मिलेगी, तो फिर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु को भी आगे किया जाएगा, इनसे भी काम लिया जाएगा वहाँ पर पूरा। अगर सिरसा में जाएंगे तो फिर सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर, अशोक तंवर भले ही चुनाव हार गए लेकिन उनको लोकसभा का टिकट मिला था और सुनीता दुग्गल वहाँ से सांसद थी। अगर अब आगे आ जाते हैं तो फिर रोहतक के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को भी आगे किया जाएगा जरूर, और कैप्टन अभिमन्यु की ड्यूटी यहाँ भी रहेगी जरूर। बाकी के आगे चलते हैं तो फिर अंबाला के अंदर अनिल विज और फिर उनके साथ में संभवतः विनोद शर्मा आने वाले समय में भाजपा के अंदर होंगे। मतलब पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो छत्रप हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है, उनको भी अस्तबल के जो घोड़े इसके अलावा वो रहे उनको भी निकाला जा रहा है कि अब सभी चुनावी मैदान चुनावी रण सजने को तैयार है तो सब अपनी ड्यूटी संभाल लें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अब की बार हरियाणा दोनों के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती यूं है कि जो लोकसभा का चुनाव गया उसमें 5-5 सीटों पर अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो फिर टॉस हो गया, यानी कि दोनों पार्टियां बराबरी पर आ गई, और बराबरी पर आने पर के बाद दोनों पार्टियों के लिए अब चुनौती होगी कि अपने स्कोर को और आगे कैसा बढ़ाया जाए। क्योंकि 5-5 लोकसभा के हिसाब से बांटे तो फिर 44 और 43 का आंकड़ा बनता है, 44 सीटें कांग्रेस ने जीती और 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क यहाँ भी नहीं है। अगर वोट परसेंटेज शेयर पर जाएं तो भी यही आता है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहाँ पर 44% वोट लिया तो कांग्रेस को 47% वोट मिला, यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इस लिहाज से विधानसभा चुनाव क्योंकि बहुत कांटे का रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी भी है, इन सब लिहाज से देखें तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे मोहरे सब तैयार कर लिए हैं। इन चेहरे मोहरों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी कि किस प्रकार से इस रण को जीता जाए। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि 2024 का विधानसभा चुनाव कितना कांटे का रहेगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने कि लोकसभा में बराबरी का प्रदर्शन किया, विधानसभा में क्या कर सकती हैं? और सबसे प्रमुख सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हैट्रिक भी बना सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।